और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जहां पर 17 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक लोक भवन में बुलाई गई थी। इस दौरान कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखाई गई। रामपुर जिले में रामपुर शाहबाद बाजपुर मार्ग पर सड़कों की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के साथ सुंदरीकरण के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। मां विंध्यवासिनी जी के कॉरिडोर के रास्ते का चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जनपद चित्रकूट में तहसील मानिकपुर में बनने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा मिशन वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गई है। बाल संरक्षण योजना का नाम परिवर्तित करके वात्सल्य योजना किया गया है। कुशीनगर में जिला कारागार के स्थापना के लिए 184 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। हाथरस में भी कारागार निर्माण के लिए 184 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे, वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, माननीय गवर्नर साहिबा भी थी। तो प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा में ये बात हमने रखा कि ओगरा और ये जो क्षेत्र है सोनभद्र का, ओगरा अनपरा, ये पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एनर्जी हब बन सकता है। तो उस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को, केंद्रीय ऊर्जा सचिव को और एनटीपीसी को सबको सूचना दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि इस प्रोजेक्ट पे आप लोग जल्दी से आगे बढ़िए। इसलिए केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एनटीपीसी ने अब उस समझौते पे आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के साथ जो करार हुआ था उस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मंत्रिपरिषद ने ओगरा में 800 मेगावाट के 2 प्लांट, पावर प्लांट स्थापित करने की आज मंजूरी हमको मिली है।